हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर इजी बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर दिशा और दूरी। ठीक है, दिशा और दूरी बिल्कुल हम जीरो लेवल से चलेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, और दिशा दूरी की पहली क्लास है आज। ठीक है, और अगर इससे पहले कि आपने चैप्टर नहीं देखे हैं और आपको देखने हैं तो प्ले लिस्ट पर आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर का पहले बेसिक आना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम पहले बेसिक करेंगे। इसका बेसिक बिल्कुल ठीक से समझने के बाद ही हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वरना अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, पहले कोचिंग लिए होते हैं, ठीक है, वो तो समझ जाएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट पहले कोचिंग नहीं लिए और जिनका मेथड थोड़ा कमज़ोर है या थोड़े स्टूडेंट कमज़ोर हैं वो, ठीक है, वो नहीं समझ पाएंगे। तो मैं सबको एक समान लेकर चलूँगा और बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन क्वेश्चन का बेसिक जान लेंगे, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं अपने। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने बेसिक समझ लिया ना, किसी भी क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड लगा दोगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कन्फ्यूजन रहता है दाएं और बाएं में। ठीक है, दाएं बाएं में बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, तो वो कन्फ्यूजन आज खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको पहले तो आपको दिशा ही बता देता हूँ। दिशा सब स्टूडेंट को आती होंगी। ठीक है, कितनी दिशाएँ होती हैं? 8 दिशाएँ होती हैं। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, यहाँ तक तो सबको आता है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर कोई आपसे ये वाली दिशा पूछे, ये दिशा पूछे, तो आपको क्या बताना है? पूरब उत्तर मत बता देना। ठीक है, क्या बताना है? उत्तर पूरब। क्या बताना है? उत्तर पूरब। क्योंकि दोस्तों, पहले ये लिखना होता है। ठीक है, पहले इधर से लिखना होता है, उत्तर की तरफ से। ठीक है, उत्तर पूरब, इस तरीके लिखने का इसका तरीका ये होता है। मान लो ये वाली दिशा कोई आपसे पूछता है, तो पहले क्या लिखना है आपको? उत्तर लिखना है, उत्तर पश्चिम, आपको बोलना उत्तर पश्चिम। ठीक है, फिर आपसे मान लो ये वाली दिशा पूछ ले, तो दोस्तों आपको पहले दक्षिण लिखना है। ठीक है, इसे लिखेंगे दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये वाली दिशा पूछ ले आपसे कोई, तो आपको फिर दक्षिण लिखना है, दक्षिण, और फिर क्या लिखेंगे? ये वाली दिशा पूरब। ठीक है, यहाँ से क्लियर है बिल्कुल, 8 दिशाएं आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, याद कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपसे नहीं आती है तो ये चित्र बना लेंगे अपनी कॉपी पर, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। ठीक है, अगर चित्र नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहीं पर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दाएं और बाएं का कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपने ये तो सभी जानते होंगे, ये अभी हमने चित्र बनाया था। ठीक है, इस तरीके का हमने चित्र बनाया था, मैं आपको कुछ बड़ा करके बनाता हूँ जिससे आपके समझ में क्लियर आ जाए। ठीक है, ये चित्र अभी बनाया था, आपको पता होगा। ये दिशा कौन सी थी दोस्तों? ये पूरब थी। ये कौन सी थी? उत्तर थी। ठीक है, ये कौन सी थी? इधर पश्चिम थी, और नीचे की तरफ थी दक्षिण। ठीक है, यहाँ तक कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, स्टूडेंट को क्या दिक्कत होती है? दाएं और बाएं में। ठीक है, बिल्कुल ठीक से समझ लेना, बस 2 मिनट ठीक से समझ लो। ठीक है, 2 मिनट समझ लो, फिर कुछ भी करना तुम, आपका कन्फ्यूजन सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे इस तरीके याद रखना। ठीक है, ये घुंडी मुड़नी है इधर को। ठीक है, ये घुंडी इधर मुड़नी है, ये घुंडी इधर मुड़नी है, और ये घुंडी ऊपर की तरफ मुड़नी है। ठीक है दोस्तों, बस इतनी बात याद रख लो। ठीक है, ये चित्र आप सभी जानते हो, कोई स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है ऐसा नहीं होगा जिसको ये चित्र नहीं आता होगा। ठीक है, बनाना, और सब इस चीज़ को जानते भी हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब भी दिशा दूरी का क्वेश्चन देखो आप, अगर आपसे नहीं पता है, दाएं और बाएं का कन्फ्यूजन अगर आपको रहता है, तो आप जो आपको वो मिलता है रफ कार्य के लिए, वहाँ पर आप ये चित्र बना सकते हो बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा, छोटा सा चित्र आप बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये चित्र काम कैसे करेगा। तो दोस्तों, मान लो मैं आपसे कहता हूँ राम पूरब की दिशा में चलना आरंभ करता है। ठीक है, पूरब की दिशा में चलना आरंभ करता है और दाएं मुड़ता है। तो दोस्तों, ये दाएं दिशा है। ठीक है, ये कौन सी दिशा है? दाएं दिशा है, हमेशा ध्यान रखना है, कौन सी दिशा है? दाएं दिशा है। ठीक है, पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, दाएं मुड़ता है, तो आपको नीचे की तरफ मुड़ा देना है। ठीक है, जिधर को ये घुंडी अब मैंने करी है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ रमेश दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और दाएं मुड़ता है, तो दाएं दोस्तों इधर को मुड़ाना है। ठीक है, इधर को मुड़ा देना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ रमेश उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है और दाएं मुड़ता है, तो दोस्तों दाएं इधर को मुड़ा देना है। ठीक है, क्लियर है बात? तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूँ रमेश पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और दाएं मुड़ता है, तो दोस्तों आपको ऊपर की तरफ मुड़ा देना है। ठीक है, कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन करूँगा, तब कोई भी स्टूडेंट को ये नहीं कहना कि सर हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है,
तो दोस्तों दायां का सबका क्लियर हो गया। अब आपको आता है बाएं का कन्फ्यूजन, ठीक है। तो बाएं का कन्फ्यूजन होने नहीं चाहिए, जब दायां का पता चल गया तो बाएं का तो खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, कोई स्टूडेंट या कोई विद्यार्थी या रमेश, ठीक है रमेश ले लो, रमेश पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और वह बाएं मुड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है नीचे की तरफ तो दाएं मुड़ेगा, तो बायां कहाँ मुड़ेगा, ऊपर की तरफ को, ठीक है। बायां कहाँ मुड़ा देना आपको, ऊपर की तरफ को। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, रमेश उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है और बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता तो इधर को मुड़ेगा, ठीक है, इसके विपरीत, क्योंकि दायां तो इधर को मुड़ गया था, ये दायां तो इधर को मुड़ा था, तो बायां किधर को मुड़ेगा, तो दोस्तों बायां किधर को मुड़ेगा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बायां इधर को मुड़ेगा। अब मैं इसी प्रकार आपसे कहता हूँ, पश्चिम की दिशा में चलना प्रारंभ करता है और बाएं मुड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा, दाएं तो ऊपर को मुड़ रहा था, तो बाएं किधर को मुड़ेगा, नीचे की तरफ को, ठीक है, किधर को मुड़ेगा, नीचे की तरफ को बाएं। तो यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया, अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, चित्र याद रखना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, एक दो बार, ठीक है, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा ज़िंदगी में। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे और सब क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हमें एग्जाम में परेशान कर देती हैं, ठीक है, उस परेशानी से आपको बचना है। क्या परेशानी से कैसे बचें, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, साइड में अगर आपसे नहीं आता उत्तर, अगर आप दाएं और बाएं में कन्फ्यूज होते हो, तो आपको चित्र साइड में बना लेना है, ठीक है, चित्र साइड में बना लेना, और आपको पता है जिधर की तरफ घुंडी मुड़ रही है उधर की तरफ दायां है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर जाओगे आप। तो एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, दोस्तों कहें यहाँ से इसने प्रारंभ किया, मान लो यहाँ से प्रारंभ किया, ठीक है, पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो दोस्तों आपको चित्र पता होगा, ठीक है, चित्र भी मैं आपको बताता हूँ, इधर पूरब था, ठीक है, इधर दक्षिण था, इधर पश्चिम था, इधर उत्तर था, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो दोस्तों किधर की तरफ चलना प्रारंभ करता है, पूरब की तरफ, कोई बिंदु ए है, यहाँ से चलना प्रारंभ करा और कहाँ चला, 3 किलोमीटर पूरब की तरफ, ठीक है, 3 किलोमीटर पूरब की तरफ चल गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो दोस्तों मुझे बताओ, इधर चित्र में देखेंगे, इसमें इस चित्र में देखेंगे, बाईं ओर मुड़ लिया है तो किधर को मुड़ेगा, ऊपर की तरफ तो मुड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ मुड़ता दायां होता, ठीक है, किधर मुड़ेगा, ऊपर की तरफ, कितना, 3 किलोमीटर, दोस्तों कितना चला, 3 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर, तो दोस्तों मुझे बताओ, जो ऊपर की उत्तर की दिशा में जा रहा होगा तो बायां किधर होगा, आप पीछे देख सकते हैं वीडियो करके, ठीक है, अगर आपके समझ नहीं आया तो, ठीक है, जब उत्तर दिशा में जा रहा है तो बायां किधर होगा, तो दोस्तों आपको यहाँ से देख सकते हो, दायां तो इधर साइड में था, ठीक है, तो बायां किधर साइड में होगा, इधर साइड में, और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, तो इसके बराबर में आ जाएगा, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है तो इसके बराबर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी, ठीक है, ये भी 3 किलोमीटर चला। तो मुझे ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है, प्रारंभिक स्थान इसका ये था, ये प्रारंभिक स्थान था, ठीक है, अंतिम स्थान ये है, तो इसने पूछा प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में है, ठीक है, तो अंतिम स्थान तो ये हो गया अंतिम, ठीक है, अंतिम स्थान ये कौन सा था, प्रारंभिक स्थान। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, प्रारंभिक स्थान से आप किस दिशा में, तो आप बोलोगे सर उत्तर दिशा में है, ठीक है, कहाँ है, उत्तर दिशा में, क्योंकि चल के ही यहाँ पहुँच गए आप, ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान से आप किस दिशा में, तो आप बोलोगे सर उत्तर दिशा में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में एक ये पूछता है, और आपसे ये भी पूछ सकता था कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, अब वो किस दिशा में जा रहा है ये पूछता, तो आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर होता पश्चिम, ठीक है, क्या आंसर होता आपका, पश्चिम। तो दोस्तों याद रखें दोनों बातें, अगर आप वीडियो पूरी देखते हो ना तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कोई से भी चैप्टर में, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करके बता देंगे मुझे, मैं और क्लियर करने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोला एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको चित्र बनाना तो बना सकते हो, बेस्ट तो आप अपनी कॉपी में बना सकते हो, ठीक है, ये चित्र देखना और आपको पता होगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप इसे देख के समझ जाना, ठीक है। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है उत्तर की ओर
8 किलोमीटर चलता है, तो दोस्तों मान लो यहाँ से चला, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर चलता है, कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 मान लिया, ठीक है, 8 किलोमीटर चल गया, 8 किलोमीटर यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ध्यान रखेंगे यहाँ से चला, कितना चल गया? 8 किलोमीटर उत्तर की ओर, बाईं ओर घूम जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था बाईं ओर घूमेगा तो किधर घूमेगा, आप इस चित्र को देख के बता सकते हो, बाईं ओर किधर घूमेगा? इधर की ओर घूमेगा, जब उत्तर दिशा में जा रहा तो बाईं ओर किधर घूमेगा? इधर की ओर, ठीक है। कितना जाता है? 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी। फिर दाईं ओर घूम जाता है, तो दोस्तों जब पश्चिम दिशा में जा रहा है तो दायां किधर होगा? तो दोस्तों दायां किधर होगा, आप इस चित्र को देख के बता सकते हो, दायां किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा, और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर। तो इसने किया, अब है किस दिशा की ओर चल रहा है? तो दोस्तों किस दिशा की ओर चल रहा है? अब ये किस दिशा की ओर चला? ऊपर की ओर चला, तो किस दिशा की ओर चला? उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। कौन सी दिशा की ओर चल रहा है? उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होगे, ठीक ठीक है, अगर समझ गए तो वीडियो को अभी लाइक कर देंगे, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताया वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं कोई सा क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, तीसरा ये कहता है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, जब आपको बेसिक पता होगा तो आप कैसा भी क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, आप कर दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ क्या बोला है, एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है, एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों कहाँ से चलाओगे? यहाँ से चला दिया, ठीक है, यहाँ से चला दिया आपने 120 किलोमीटर, किधर चलनी है? रेलगाड़ी 125 पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो पश्चिम दिशा में चलाना दोस्तों, पश्चिम दिशा में आपने चला दी 120 किलोमीटर, ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सभी को आता है, चित्र बना लेंगे, वैसे तो आप जानते हो, इतना तो सीख ही गए होगे, ठीक है। पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है, फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है, ठीक है, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है, तो 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला लेंगे, ठीक है, दक्षिण दिशा में चला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है, थोड़ा मैं चित्र ऊपर का बना लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा चित्र यहाँ से चला लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा था। 120 किलोमीटर, ठीक है, 120 किलोमीटर इधर को चला था पश्चिम दिशा में, यहाँ से 120 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। तो दोस्तों यहाँ से दक्षिण दिशा नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है, कितना? 30 किलोमीटर। फिर स्टेशन पहुँचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, फिर स्टेशन पहुँचने से पहले, तो दोस्तों यहाँ से मुझे बताओ पूर्व दिशा कौन सी होगी, आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ से पूर्व दिशा कौन सी होगी? आप बोलोगे सर इधर की तरफ। कितना चला? 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर चल गया, ठीक है, फिर यहाँ पर पहुँच गया। दिशा का तो दोस्तों सभी को ज्ञान होता है, ठीक है, मैंने शुरू में बता दिया था आपको, इसलिए दिशा का चलती है। रेलगाड़ी के आरंभ बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है, ठीक है, रेलगाड़ी के आरंभ बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है? दोस्तों आरंभिक बिंदु क्या था? ये था, ठीक है। अब इसने पूछा आरंभिक बिंदु से स्टेशन कहाँ पे है? ये स्टेशन है, ठीक है, स्टेशन पहुँच गया, 80 किलोमीटर चल गया, ये स्टेशन पर आ गया, ठीक है, स्टेशन। तो यहाँ से दोस्तों ये दिशा बतानी है, ये दिशा बतानी है, ठीक है, यहाँ से ये दिशा बतानी है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूँ, ठीक है, यहाँ से ये दिशा कौन सी होगी? अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कौन सी होगी ये दिशा? ये दिशा बताओ आप मुझे। यहाँ बोलोगे सर दक्षिण ये रहा और पश्चिम ये रहा, तो ये दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा होगी दोस्तों? ये दक्षिण पश्चिम, ठीक है, कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चार भी आसान क्वेश्चन और सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 में। आपको देखना है इसमें कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूरब की ओर 7 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों यहाँ से प्रताप ने आरंभ किया, ठीक है, और पूरब की दिशा में जा रहा है, तो आपको चित्र को देख के पता होना चाहिए, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर
दक्षिण, ठीक है। प्रताप ने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता था। दोस्तों 7 किलोमीटर इधर गया ये, ठीक है, 7 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पहुँच गया। वह बाईं ओर मुड़कर, अब वह यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, तो दोस्तों आपको इस चित्र से पता होगा बायां किधर की तरफ होगा। तो दोस्तों आप बता सकते हो जब पूर्व दिशा में जा रहा है तो बायां किधर होगा, तो आप डायरेक्टली बता दोगे सर बायां ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। कितना जाता है, 4 किलोमीटर। फिर इसने बोला है फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जब उत्तर दिशा में जा रहा है तो दाएं किधर की तरफ होगा, आप इस चित्र में देखकर बता सकते हो कितना होगा, 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। इधर तो होगा दाया, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो दोस्तों थोड़ी लेंथ लंबी बन गई, 4 के बराबर बन गई, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितने आता, 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर आगे वह फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, वह फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों जब वह पूर्व दिशा में जा रहा है तो दाया किधर की तरफ होगा, तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ होगा, ठीक है, किधर होगा, नीचे की तरफ। कितना आता है, 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो दोस्तों किधर को मुंह है इसका, नीचे की तरफ को, किधर की तरफ को मुंह है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ दिशा कौन सी होती है, दक्षिण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है, 5 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं, पहले तो आपको पता होगा ये चित्र याद रखना आपको, ठीक है, पहली बात आपको चित्र याद रखना है और दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, दिशा आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब मैं क्वेश्चन पर करता हूँ, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का। तो दोस्तों यहाँ से कहीं से भागा वो, यहाँ से कहीं इसका प्रारंभिक पॉइंट था, इससे कहाँ की ओर भागा, दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो दक्षिण की ओर भाग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, भागा और फिर कहाँ मुड़ा, दाईं ओर। तो दोस्तों मुझे बताओ जो दक्षिण की तरफ भाग रहा है तो दायां किधर होगा उसका, तो आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो, ठीक है, जो मैंने शुरू में आपको समझाया था, ठीक है। तो दायां किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो दोस्तों इधर की तरफ दायां होगा, दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर, फिर वह अपनी दाईं ओर, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो दाईं ओर मतलब दाईं ओर किधर होगा, जब पश्चिम की तरफ भाग रहा है तो दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऊपर की तरफ वो चला गया, ठीक है, और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। तो दोस्तों जब उत्तर की दिशा में जा रहा है तो बायां किधर होगा उसका, तो दोस्तों आप बोलोगे इसका बायां होगा इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ घूम गया, ठीक है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, तो दोस्तों इधर की तरफ वो भाग रहा है, तो ये दिशा कौन सी होती है, आप बोलोगे सर ये दिशा होती है पश्चिम, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, बस आप समझ जाओ ठीक से, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, बिल्कुल हम बेसिक से चल रहे हैं। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है, मैं नहीं चाहता तो आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है। जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी मुझे बतानी चाहिए, ये क्वेश्चन बच्चों के लिए हार्ड हो जाएगा थोड़ा, तो मैं उस क्वेश्चन में ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, वरना बेसिक तरीका सबसे बेस्ट है ये। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, 6 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। राजू उत्तर दिशा की ओर, तो पहले तो दोस्तों आपको 2 चित्र याद रखने हैं, ठीक है, दो चित्र कौन से याद रखने हैं, दो चित्र आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, जो मैंने बताए थे, एक तो ये वाला याद रखना है, ठीक है, और एक ये याद रखना है दिशा वाला, इधर पूर्व दिशा, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक है, ये चित्र याद रखने हैं बस आपको दो, ठीक है, ये तो निगाह में बस जाएंगे, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसने बोला राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर, तो राजू यहाँ से कहीं से चला, ठीक है, ये इसका प्रारंभिक पॉइंट था, यहाँ से चला और उत्तर की दिशा में जा रहा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, कितना जाता है 30 मीटर। तो दोस्तों मैंने 30 मीटर ये चला दिया, ठीक है, 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। तो दोस्तों बाएं मुड़ता मतलब इस चित्र में देख के बताओ मुझे बाया किधर होगा, उत्तर की दिशा में जा रहा है तो आप बोलो सर बाया होगा इधर की तरफ, ठीक है, बाया किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
बाया इधर हो गया, और कितना ज़्यादा है, बाएं मुड़ता और 15 मीटर जाता है। तो दोस्तों 15 मीटर ये चला गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। तो दोस्तों मुझे बताओ 50 मीटर किधर होगा, ठीक है, दाया किधर होगा, जब इधर पश्चिम की दिशा में जा रहा हो दाया किधर होगा, आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ। तो 50 जा रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 30 तो इतना चल गए थे, तो 50 इससे कहीं लगभग इतना होगा, ठीक है। लगभग चलने का भी नापने लगो अपने पैमाने से, ठीक है, मेरा समझाने का तरीका बस आपको है। 50 मीटर चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आगे क्या बोला, और अंत में दाएं मुड़कर चलता है, और अंत में दाएं मुड़कर चलता है। तो दोस्तों जब उत्तर दिशा में जा रहा है तो दाएं किधर होगा, आप बोलो सर दाएं होगा इधर की तरफ, ठीक है, दाएं किधर होगा इधर की तरफ, दाएं किधर होगा इधर की तरफ, ठीक है, दाएं इधर की तरफ होगा। तो आप दोस्तों समझ जाओगे अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो दोस्तों किधर की ओर जा रहा है वो, आप डायरेक्टली बता दोगे, आप डायरेक्ट बता दोगे सर बब्बू पूरब की दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब वो किधर दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा अलग टाइप है, ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ पहले आपको, फिर आपको मैं क्वेश्चन बताऊँगा आपको, ठीक है, पहले आप समझ लेंगे फिर मैं क्वेश्चन आपको बताऊँगा। ये अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों मान लो ये कोई चित्र है, ठीक है, तो दोस्तों ये समझने की कोशिश करना, पहले समझ लो, ठीक है, क्वेश्चन हम बात करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बहुत फंस सकते हो आप, ठीक है, तो इसलिए आपका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल बेसिक। तो दोस्तों ये चित्र मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक है, डायरेक्टली अब दिशा तो आपको पता ही है, ठीक है, दिशा आपको पता ही है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये एक खाना जो है, ठीक है, एक खाना जो है ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक खाना जो होता है कितने डिग्री का होता है, आपको याद रखना है 45 डिग्री का, ठीक है, कितने का होता है 45 डिग्री का। और पूरा एक ये खाना ये वाला जो होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो होता है कितने 90 डिग्री का, ठीक है, कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, इतना याद रखना। जैसे मैं ऊपर की तरफ से आपको बताता हूँ, ये पूरा जो होता है ये पूरा होता है, ठीक है, ये पूरा खाना जो होता है कितने का होता है 90 डिग्री का, ठीक है, पूरा खाना कितने का होता है 90 डिग्री का, उनमें से बीच में से भाग कर दूँ इसका, ठीक है, तो कितने में बढ़ जाएगा, 45 में बढ़ जाएगा, ठीक है, कितने में बढ़ जाएगा 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, ठीक है, इतना याद रखना आपको। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये वाला ये, ठीक है, ऊपर ये वाला कितने डिग्री का 90 डिग्री का, ठीक है, और इसे दो भागों में बांट दो तो कितने कितने बढ़ जाएगा ये 45 और 45, ठीक है, 45 और 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बताता हूँ, ठीक है, ये चित्र आपको पता चल गया, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, रमेश दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण तो ये है, दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है और बाएं 90 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, बाएं 90 डिग्री मुड़ता है। बाएं का मतलब दोस्तों याद रखना हमेशा, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा, हमेशा याद रखेंगे बाएं का मतलब वो क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा से आपके समझ में नहीं आ रहा तो मैं कहूँगा बाएं बोलेगा तो आपको इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा इधर की तरफ चलना है, ठीक है, और दाएं बोलेगा तो आपको किधर की तरफ चलना है, इधर की तरफ, ठीक है, दाएं बोलेगा तो किधर की तरफ चलना है, इधर की तरफ को मुड़ना है, ठीक है, किधर की तरफ चलना है, इधर की तरफ चलना है, और बाएं बोलेगा तो इधर की तरफ चलना है, ठीक है, उल्टा चलना है, ठीक है, याद रखेंगे बाएं बोलेगा तो इधर की तरफ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ठीक है, मैं कहता हूँ रमेश दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है और 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, ठीक है, 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, मतलब बाएं इधर की तरफ कौन सी दिशा, ये वाली दिशा में आ जाएगा फिर वो, ठीक है, पूरब दिशा में। और मैं कहता हूँ रमेश दक्षिण की ओर चलता है और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो दोस्तों दाएं मुड़ाएगा तो आपको इधर को चलना है घड़ी की दिशा में, यहाँ पर ये दिशा आ जाएगी, ठीक है, तो याद रखना इस तरीके से आपको चलना है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ से चलना आरंभ किया इसने, यहाँ से चलना आरंभ किया और दक्षिण की ओर जा रहा है, कोई बात नहीं जाने दो, ठीक है, जा रहा है जाने दो, ठीक है, और 10 मीटर चलने के बाद, तो दोस्तों 10 मीटर ये चल गया, ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो दोस्तों बाएं मुड़ रहा है, ठीक है, बाएं मुड़ रहा है कितना 90 डिग्री, तो दोस्तों किधर की तरफ मुड़ना होगा आपको, इधर की तरफ, ठीक है, आपको मैंने बताया था ना, आपको तो मैंने बताया था इस चित्र से, ठीक है,
आपको तो मैंने बताया था इस चित्र से, ठीक है। डायरेक्ट देख सकते हो आप दक्षिण की ओर जा रहा, तो बायां किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो बायां इधर होगा तो कितना 90 डिग्री मुड़ गया, ठीक है, मुड़ जाता है। और 15 मीटर चलने के बाद कितना चल गया दोस्तों, 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है 90 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों जब ये पूरब दिशा में जा रहा है तो 90 डिग्री किधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा। तो दोस्तों मुझे बताओ बायां किधर होगा, बायां किधर होगा, तो आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ होगा, बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तो होगा बायां, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अंतिम रूप में वह किस दिशा में चल रहा है, तो दोस्तों अब किस दिशा में चल रहा है ये, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कौन सी दिशा में चला, उत्तर दिशा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर दिशा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा, उत्तर दिशा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आठ भी आया हुआ SSC CGL 2011 में, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है इसने, इसमें क्या कहा है, इसमें बिल्कुल आसानी से समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने बोला एक लड़का, पहले तो ये दिशा याद रखें, ठीक है, अपनी कॉपी बना सकते हो, ठीक है, बार बार नहीं बनाऊंगा मैं, ये दिशा आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना है। एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, तो दोस्तों यहाँ से मान लिया वो चला कितने किलोमीटर चला, तो दोस्तों 3 किलोमीटर वो चला, ठीक है, 3 किलोमीटर चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह पश्चिम की ओर घूमा, तो दोस्तों पश्चिम क्या होती है, इधर तो होगी पश्चिम, ठीक है, आपको इतना तो पता ही है, पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। कितना चला, 5 किलोमीटर चला, तो दोस्तों 5 किलोमीटर चला दिया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला, ठीक है, आपका तो और आसान बोल दिया, बायां दायां बोले नहीं, उसने डायरेक्ट दिशा बोल दी। अब उत्तर की दिशा में जाना, तो दोस्तों ऊपर की तरफ जाएगा, 6 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो कहीं यहाँ तक जाएगा वो, ठीक है, 6 किलोमीटर ये हमने पूछा दिया, कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी, 6 किलोमीटर चला। अब वह पूरब की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, तो दोस्तों यहाँ से पूरब की दिशा में जाएगा, तो किधर जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है, इधर जाएगा, इसके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 5 किलोमीटर बिल्कुल इसके सामने आएगा, ठीक है, बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था, तो दोस्तों किस दिशा में चल रहा था वो, किस दिशा में चल रहा था, तो आप डायरेक्ट बता दो कि वो किस दिशा में चल रहा था, ये कौन सी दिशा में चल रहा है, आप कहोगे सर पूर्व दिशा में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे आज के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।